भाई कितने मार लिए? अरे मारा नहीं, वो चिप चिप कली सीधी करवा रहा हूँ भाई। वो ऐसे ऐसे कहा मैं, मतलब क्या हूँ भाई साहब, भाई आपस हो गया, आपस कराओ। ओ भाई साहब, अरे खुल तो नहीं जाएगा। भारत देश की राजधानी दिल्ली की पहचान है यहाँ पे होने वाली रामलीला, और इस रामलीला का हिस्सा बनने के लिए हम लोग आए हैं पुरानी दिल्ली के एसमेन रोड पे, जहाँ से झांकी निकाली जाती है। इस झांकी में शामिल होंगे, फिर आपको लिए चलेंगे लाल किला, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फूड कोर्ट सेटअप किया गया है, और उस फूड कोर्ट में पुरानी दिल्ली के उम्दा जायके मिल रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। आइए चलते हैं। सुमित जी, आप इस झांकी के इंचार्ज हैं। हाँ, ये जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसका क्या महत्व है? ये बहादुर शाह जफर के टाइम में स्टार्ट की गई थी। उसकी जो फौज थी उसमें सब हमारे हिंदू ही थे, और जहाँ आज 30,000 कोर्ट है, वहाँ वो लोगों का कहते हैं ना पड़ाव रहता था। 30,000 की करीब फौज थी, इसलिए उस जगह का नाम 30,000 बना। तो हिंदुओं की भावनाओं का और खुद के कमज़ोर पड़ जाने के कारण हिंदुओं की भावनाओं को समझना पड़ा उसे, उसके चलते उसने कहा कि आप लोग रामलीला कर सकते हो। तो यहाँ यहीं से थोड़ी दूर एक माधवदास की बगीची है, वहाँ पर किसी समय में गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में रखा गया था, वो आज जगह स्थान है, बहुत प्राचीन है औरंगजेब के समय में। तो वहाँ एक बाबा थे, महंत जी थे, उनका नाम था बाबा राघवदास। उनके अध्यक्षता में ये सवारी 178 साल पहले प्रारंभ की गई। फिर वो तो सन्यासी थे, फिर उन्होंने एक महंत परिवार को ये पूरा जिम्मा सौंप दिया, जो महंत परिवार आज तक इस सवारी में किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ है। 20 साल पहले तक पूरी तरीके से सक्रिय था, 20 साल से थोड़ा सा साइड रहकर जुड़े हुए हैं। अब भी हैं, जो हमारे राम बने हैं वो उसी परिवार के बालक हैं, महन जी हमारे अभी साथ आ जाएंगे, और ये सवारी चलने लगी। स्थान बदलते 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 अंग्रेज़ों के समय में ये रामलीला मैदान इसको अलॉट किया गया, इसका संविधान पंडित मदन मोहन मालवीय ने गौरीशंकर मंदिर में बैठ के बनाया, और ये सवारी चलती रही, और ये करीब 15-16 दशकों से पुरानी दिल्ली की शान बनी हुई है। पूरे विश्व में शायद ऐसा कोई शोभा यात्रा या जुलूस नहीं है जो लगातार 11 दिन निकलता है अप एंड डाउन में। जय श्री हनुमान। आप ये पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं? काफी साल हो गए, बचपन से। बचपन से? तो बचपन में तो कोई और करेक्टर प्ले करते होंगे। हनुमान ही मिला शुरू से, बचपन से हनुमान बनते आ रहे हैं। इनको तो पहचानता हूँ मैं, रावण यही है, हैं? बिल्कुल, आपका तो प्रॉपर गेटअप देख के लग रहा है, डर लग रहा है मुझे देख के। जय श्री शंकर। हाँ, लंका का राजा रावण, सोने की लंका में रहने वाला ब्रह्मा जी, शिव शंकर को प्रसन्न करने वाला रावण। अब रामलीला की जो शोभा यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है पुरानी दिल्ली में एसमेन रोड से, और यहाँ से झांकी निकलेगी, दरीबा कलान होते हुए, चांदनी चौक होते हुए, नई सड़क होते हुए रामलीला ग्राउंड की तरफ जाएगी, और इसके बाद हम कुछ देर तक इसके साथ रहेंगे, फिर हम चलेंगे लाल किला जहाँ पे फूड कोर्ट लगा है, और उस फूड कोर्ट में जो पुरानी दिल्ली के उम्दा जायके हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे। जय लंकेश। Yeah!
हम अपने रामलीला फूड वॉक की शुरुआत कर रहे हैं गोलगप्पे से। अब पुरानी दिल्ली की तो पहचान है चाट और गोलगप्पे। तो यहाँ पे दो तरह का पानी है, एक मीठे वाला और एक खट्टे वाला। और ये अच्छा है कि एक समय था जब गोलगप्पे को पहले पानी में डुबो के, मतलब हाथ डुबो के फिर निकालते थे। अब समय बदल गया है, अब नलके से गोलगप्पे का पानी आता है। हैं, गोलगप्पे भी आ गए हमारे। ये सूजी का गोलगप्पा है, इसके अंदर में काबुली चने हैं और उबला हुआ आलू। अब गोलगप्पा खाया जाए। थोड़ा मीठा पानी लेते हैं, थोड़ा खट्टा पानी। खट्टा मीठा दोनों ही जायका है। जो गोलगप्पा है वो खुद में बिल्कुल क्रंची है। मतलब अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो जितने स्ट्रगल से आप अंदर आएंगे भीड़ के बाद, अगर कोई चीज़ आपको रिफ्रेश कर सकती है तो वो है ये गोलगप्पा। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। मतलब हाथ में तृप्ति मिलती है। सर भल्ला पापड़ी, थोड़ा मिर्च और मसाला हल्का रखना। ये आ गई हमारी पुरानी दिल्ली की फेमस भल्ला पापड़ी चाट। इसमें मूंग दाल का वड़ा है, इसमें खूब सारा जीरा लगा हुआ है, उसको दही में डुबोया गया, उसके बाद क्रश किया गया, उसके बाद डाला गया पापड़ी, वो भी दही में डुबोने के बाद। फिर इसके ऊपर डाला गया काबली चना, उबले हुए आलू, नमक, चाट मसाला, सौंठ, सौंठ का मतलब होता है आपका सूखी अदरक, और मीठी चटनी है, उसके बाद धनिया पुदीने की चटनी। फिर इसे इसकी टॉपिंग की गई कचालू के साथ, और एंड में अनारदाना, चुकंदर, अदरक का लच्छा, और एक पीस इसमें कलमी वड़ा है। जो कलमी वड़ा है ये भी टिपिकल पुरानी दिल्ली की है, और ये तैयार होती है चने के दाल से। मतलब इसका जो टेक्सचर होता है वो रस्क की तरह होता है, मतलब काफ़ी क्रिस्प होता है। मैं इसे पुरानी दिल्ली का रस्क बोलता हूँ। आइए हर्षद, अब इसका जायका लिया जाए। पहले पापड़ी खाते हैं। मैं तो मतलब भल्ला पापड़ी में मुझे पापड़ी पसंद ज़्यादा आता है। मुझे भल्ला। आपको भल्ला, चलो सही है, दोनों का अपना अपना हिस्सा है। आइए। भल्ला खाने में ना मुझे दांतों का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा, ऐसे खुलेगा। आप खा के देखो। ये रहा, वही है ना भल्ला। क्या करते हैं, पहले तल लिया आपने तेल में, उसके बाद पानी में डुबो देते हैं, तो उससे क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाता है काफ़ी। सर हमारे लिए एक मूंग दाल चिल्ला। तो मूंग दाल चिल्ला भी LS केटरर का बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट ये मूंग दाल चिल्ला आपको इनके दुकान पे मिल जाएगा खाने को, जो आपकी फतेहपुरी मस्जिद के पास में है। और आप इसकी स्टफिंग पे अगर गौर फरमाएंगे तो इतना ज़्यादा स्टफिंग देसी घी में बना हुआ, क्या बात है। मूंग दाल चिल्ला मूंग दाल से बनता है, मूंग दाल का बैटर बनाया जाता है जो कि थोड़ा कोर्स होता है टेक्सचर में। उसके बाद इस बड़े से तवे में देसी घी में इसे पकाते हैं। जो इसके अंदर में स्टफिंग की गई है वो पनीर है, आलू है, फूल गोभी है, मटर है और मिर्च मसाले हैं। और इसको अच्छे से तवे से सेकते हैं ताकि ऊपर से जो उसका टेक्सचर है बिल्कुल क्रिस्प हो जाए, लाल हो जाए। और इसे खाया जाता है दो तरह की चटनियों के साथ में। एक तो ये अपनी जो रेगुलर चटनी है धनिया पुदीना मिला के बनाते हैं वो है, साथ में मीठी सौंठ। इसमें इन्होंने खूब सारा अनारदाना डाला हुआ है। इस मीठी चटनी के साथ में जिसमें अनारदाना है, मुझे तो मीठी चटनी पसंद आती है। बहुत टेस्टी भाई। पर इतना थिक मूंग दाल का चीला शायद ही कोई बनाता हो। लेकिन ये भी है ना, थिक होने के बाद भी ये उतना मतलब सॉफ्ट नहीं है, क्रिस्प है टेक्सचर जो होना चाहिए। और मूंग दाल का चीला काफ़ी हेल्दी होता है क्योंकि मूंग दाल खुद में स्वपाच्य होती है इसलिए, और प्लेन भी बनता है। लेकिन जो यहाँ पे बनाते हैं वो स्टफिंग के साथ बनाते हैं, अच्छा उससे एक आपको फ्लेवर्स मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट है पनीर टिक्कियाँ।
टिकिया, ध्यान से, नॉट टिक्का, टिकिया। असल में टिकिया ही बोलते हैं। आप उत्तर प्रदेश जाओगे हर जगह टिकिया बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने टिक्की बोलना शुरू कर दिया। बाबू जी आपका शुभ नाम क्या है? श्यामल तिवारी। तिवारी जी ये लीजिए पनीर टिकिया खिलाइए हमें। दो तरह की टिकिया हमने मंगवाई है, एक है जो मटर स्टफ्ड है, एक है जो पनीर स्टफ्ड है। और ये जो पनीर स्टफ टिकिया है ये मैंने कहीं और नहीं खाई, ये है आपका मटर स्टफ। मटर स्टफ, आप इसका टेक्सचर देखिए, मतलब यूजुअली जब आप खाते तो आपको क्रंच महसूस होता है, लेकिन इसको देख के ही अगर अंदाज़ा लग पा रहा होगी कितना क्रिस्पी है ये। अरे ये तो मैं जब इस तल रहे हैं फुल ऑन देसी घी बड़े से तवे में, मतलब डीप फ्राई कर रहे हैं। जो टिकिया होती है ज़्यादातर मैं देखा पैन फ्राइड या शेलो फ्राइड होती है, लेकिन यहाँ पे फुल ऑन डीप फ्राइड है, वो भी देसी घी में। भाई 250 रुपये है तो फिर देसी घी भी उसी। हाँ, वरना टिकिया में भी स्टफिंग ज़्यादा देखोगे आप, दाल की स्टफिंग होती है, इसमें मटर और पनीर है। इतनी करारी टिक्की है, टिकिया है कि ये चम्मच से टूटेगी नहीं, टूट ही नहीं रही है, तो इसे मतलब हाथों से ही उठा के खाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया है, मतलब जिसका टेक्सचर है ना, जैसे आप डीप फ्राइड ब्रेड होता है वैसा लग रहा है ये वाला पनीर का। इसके और इसके टेक्सचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बहुत ही खस्ता है, मतलब क्रिस्प है, करारी है। इसका जो टेक्सचर है पनीर वाले का वो थोड़ा ब्रेडी है, मतलब जब पनीर को फ्राई करते हैं तो पनीर का हल्का सा चूहीनेस जो हो जाता है वैसे इसका टेक्सचर है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये इतना ज़्यादा क्रिस्प है कि अगर हम इसको साइलेंट करके एक प्लेट में गिरा दें तो ये पूरा बचता, इतना क्रिस्प है ये पनीर वाला। अच्छा लग रहा है खाने में जेन्युइनली, और मतलब इनका स्पेशलिटी है और लोग ज़्यादा बेचते नहीं है। पनीर को ज़्यादा करोगे टूट जाता है, तेल में बिगड़ जाते हैं, तो अपना तरीका है। एक और बात है ना, हमारे दिल्ली वालों को पनीर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। भटूरे छोले होंगे तो छोले के अंदर, छोले के ऊपर भी पनीर होगा, भटूरे में पनीर होगा, टिक्की हो है, चाट हो, किसी में भी पनीर डाल ही देते हैं। चलिए सर अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा है फ्रूट कूले। फ्रूट कूले कूले कुल्ले कुल्ले फ्रूट कुल्ले, मतलब ये जो फ्रूट कुल्ले की चाट है ना वो मज़ा आता है खाने में, सिट्रस फ्रूट में, जिसमें खुद का रस हो, फलों का रस हो, उसके साथ जब मसाले वगैरह का मिश्रण होता है, वाह जी वाह। लाओ जी अब कोई भी ये वीडियो देख रहा तो यही बनवाना। जब भी हम पुरानी दिल्ली की चाट की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में कोई चाट अगर आती है तो वो है, जैसे हम कुलिया बोलते हैं, कुल्ले भी बोलते हैं, फ्रूट की कुलिया भी बोलते हैं। और इसमें जो कहानी वो ये है कि कुल्ला कुलिये से बना है, मतलब जैसे आप कुल्लड़ होता है ना, कुल्लड़ से कुलिया बना, मतलब आप कोई भी फ्रूट को हॉलो कर देते हैं, मतलब उसको स्कूप करते हैं, उसके बाद उसमें अनार, उसके बाद आप काबली चना, नमक, फिर इनका जो ब्लैक मसाला होता है जो कि ओल्ड दिल्ली का सीक्रेट स्पाइस है, स्पाइस मिक्स, और उसके बाद फिर शक्कर मतलब बूरा, फिर उसके बाद आपका चकोतरा है, उसको हम लोग गागा नींबू भी कहते हैं, अंग्रेजी में पमेलो कहते हैं, और वो हो गया, और उन सबको मिला के ये चाट तैयार की गई है। तो सबसे ज़्यादा इस मात्रा में इस चाट में है वो है नींबू, नींबू का रस से इसको डुबो दिया गया है। मतलब जैसे स्ट्रीट फूड के अंदर बटर से मेयोनीज से नहलाते हैं, वैसे यहाँ पे नींबू के पानी से नहलाया है। और इसी बात में अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आके आप क्या कहते हैं टमाटर की कुलिया मत खाइएगा, आपको नहीं पसंद आएगी। आलू की भी मत खाइएगा, आप ये सब ले सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल ये दिखाना कि जी हमें ऐसा चाहिए, और ज़्यादा समय लिए बिना सर शुरू करिए। एक और आपको टिप दे रहा हूँ कि कुलिया के चाट हमेशा एक बार में खाएं। अच्छा, तभी आपको मसालों का, नींबू का, फल का, सभी का फ्लेवर्स आता है। बिल्कुल भाई, क्या बात है, ओहो शाबाश। और इसको खाने के बाद आपका मुंह 5 मिनट तक बंद भी रहेगा।
ये खाते हैं ना बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स, मतलब एक बार में आपको एक तरह से जैसे होता है ना फ्लेवर्स का फुवारा वो फूटता है, है? जो फ्रूट के जूसेस हैं वो साथ में जो मसाला और नींबू का मिश्रण है वो सब कुछ मिल के आपके मुँह में जाता है। वाह जी वाह, मज़ा ही आ जाता है। आप यहाँ पे तीन चार चीज़ें खाने के बाद अगर ऐसा पैलेट क्लींजर कुछ खाना चाहते हो तो अभी से खाइए, इट विल टोटली क्लीन योर पैलेट और बहुत ही रसीला टेस्टी, मतलब इट्स वेरी सिंपल इन इटसेल्फ, बट आप इसको खाएंगे तो यू विल गेट टू रियलाइज कितना रिफ्रेशिंग है। और आम का मौसम तो है नहीं, बिन मौसम आम खा रहे हैं। और इसको स्टार फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टार की तरह होता है ना। बिल्कुल। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होती है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सर प्लीज खा जाऊँ ये, एक बार में नहीं खा सकते, बहुत खट्टा होता है, बहुत खट्टा होता है। चलो भाई नान मिल जाएगा, नान हमें नान खिलाइए, बढ़िया फूला हुआ नान होना चाहिए मस्त। पहले बता दे रहा हूँ सब्जी क्या क्या है, पीली दाल, और ये कट्टे की सब्जी, ये मटर कोरमा, शाही पनीर, दाल मखनी, पालक पनीर, सरसों का साग और छोले। सर मटर कोरमा और दाल मखनी करते हैं, मटर कोरमा और दाल मखनी, दाल मखनी खाओगे पक्का? दाल मखनी और मटर कोरमा। क्या बात है, गरम गरम फूले फूले लाल, इसी के लिए तो मैं इस फूड कोर्ट में आता हूँ। इस थाली का नाम पंजाबी थाली है, जिसमें दो तरह की कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं, है ना। हमारे पास दाल मखनी, मटर कोरमा, सौंफ, मिश्री, अचार, फ्रूट रायता और स्टार ऑफ द थाली वो है नान। अंदर देखो मसाला लगा हुआ है, इसका टेक्सचर एकदम फूला हुआ स्पॉन्जी टेक्सचर है इसका। पहले सब्जी मत खाओ, सब्जी मत लगाओ, सिर्फ नान खाओ। हल्की सी खटास है ये जो खमीर डालते हैं उसका, और जो टेक्सचर इसका जैसे वो होता है ना थोड़ा बहुत कुलचे से मिलता हुआ जो फ्लफीनेस होता है वो भी इसमें है। ऊपर से क्रिस्प है, करारा एकदम, और मक्खन लगा हुआ अच्छे से। ऐसे कह सकते हैं कि मतलब ये बेटर वर्जन ऑफ खमीर रोटी है। हाँ बेटर वर्जन। आइए इसे खाते हैं मटर कोरमे के साथ, और मैं लेता हूँ ज़रा दाल मखनी। यहाँ पे कुछ खाओ ना खाओ ये ज़रूर खाना, और दाल मखनी यूजुअली मैं कहीं भी जाता हूँ और मैं पैसे स्पेंड करता हूँ तो नॉर्मली मैं दाल नहीं लेता, दाल घर पे खाते, लेकिन क्या दाल है ये, मतलब बेमिसाल दाल। देखो कैसी है दाल भाई, वाह क्रीमी तो है, मटर कोरमे की टक्कर क्या नहीं है। ये शाही है, शाही सब्जी, काजू बादाम मटर पनीर। ये जो स्टिक है ना इसके अंदर है सोया, टमाटर, शिमला मिर्च, पनीर, इसमें फिर कॉर्नफ्लावर लगा के इसको डीप फ्राई करते हैं और अलग से ग्रेवी तैयार करते हैं। तो आप वो ग्रेवी जो बना रहे हैं ये, इसमें पनीर, मटर, सोया के चंक्स, ये सारी चीज़ें हैं, वो साथ में स्टिक डाल देंगे, उसके बाद फिर आपको रुमाली रोटी सर्व करते हैं। तो मिल जाता है काठी कबाब और रुमाली रोटी। अब हम जरा अपने टेबल पे प्रस्थान करते हैं। टेबल आपकी है जो आप प्रस्थान करोगे? टेबल हमारी है, सबकी है, जैसा खाना हमारा। आइए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है फूड कोर्ट में, मतलब सब लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, टेबल शेयर करते हैं, है? और फूड कोर्ट में कोई भी आपको यहाँ पर निराश नहीं दिखेगा, सब खाना खाते हैं, एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम।
जो फूडी है वही तो आते हैं, फूड एंथुजियास्ट। और ऐसा है कि सिर्फ एक डिश खाने नहीं आते हैं कि आया और खाया सिर्फ भूख मिटा के चले गए, ऐसा नहीं है, मतलब प्रॉपर फूड एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। ये हमारी रुमाली रोटी। अब रुमाली रोटी कैसे बनती है, किससे बनती है? बहुत ईजी है, मैदे से बनती है, उछाल के बनाई जाती है, उल्टे तवे पे बनाई जाती है, तवे पे नमक वाले पानी का छिड़काव होता है ताकि चिपके ना। मैं पहले सब्जी खाऊंगा। तो ये बन गई है आपकी बहुत बढ़िया वाली बाइट। आंखें बंद जीले, उस पल को जी लो, है क्या बात। अरे काटी आगे, काटी आगे, काटी काटी आगे। जैसे इन्होंने जो आम का छिलका छीला है वो ऐसे छीला है कि बचपन में जब आप पेंसिल को डाल देते ना शार्पनर में, तो पूरा छिलका एक ही बार में निकलना चाहिए था, बच्चे करते थे, उसी अंदाज से इन्होंने निकाला है। तो इस अंदाज की वजह से इनको आप कह सकते हो कि ये आर्टिस्ट है। ये तो है, मतलब ये आर्ट वर्क है कि साबुत आम में से इसकी गुठली निकालना, उसका जो गूदा है वो बरकरार रखना, उसके अंदर में रबड़ी भरना, उसके बाद इसको जमाना। तो आपको आम के आम और गुठलियों के दाम हैं जो कहावत है वो मिल जाती है इसमें। आपको आम भी खाने को मिल गया और कुल्फी भी खाने को मिल गई। और अगर आप इसमें देखेंगे इसमें पिस्ता भी है। ये आम भी खास है। रबड़ी कुल्फी भी खाई, साथ में आम भी खाया। टेस्ट अगर इसका बताओ तो जैसे आम का टेस्ट है और रबड़ी का टेस्ट है। आम का टेस्ट ही होता है। Exactly. अब आम में अनार जैसा भी मिल जाएगा क्या? अर्पित यार कैसी बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि जब आप यहाँ पे आएंगे, इनका जितना भी खाने काफ़ी हैवी है, आप कुछ भी देखे तो बहुत सारा घी है, देसी घी है, तो उन सबके खाने के बाद ये खाते तो थोड़ा अच्छा महसूस होता है, थोड़ा रिफ्रेशिंग, थोड़ा रिलीफ होता है। और स्टफ कुल्फी में इनके पास कई सारे ऑप्शन हैं, इसमें अनार है, मौसमी है, संतरा है, एप्पल है। लाइए शर्मा जी, ये क्या मंगवाया आपने? स्ट्रॉबेरी? अनार नहीं, संतरे के अंदर स्ट्रॉबेरी। नहीं, मौसमी के अंदर स्ट्रॉबेरी है। मुझे बहुत बढ़िया लगी। मैं बबल गम जैसा फ्लेवर लग रहा है ना, बिल्कुल बबल गम जैसा है। बिग बबल टाइप, लेकिन है बहुत टेस्टी। लग रहा है कि आम वाला मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि तो इसमें आपको आम भी खाने को मिल रहा था। इसमें जो फ्लेवर्स है ना मोस्टली वो आपको स्ट्रॉबेरी के ज़्यादा लग रहे हैं, और जो मौसमी का फ्लेवर है वो थोड़ा कम है, मतलब 90% स्ट्रॉबेरी है, 10% मौसमी है। एक हमको डिस्को फ्रूट आइसक्रीम खाना है। इस आइसक्रीम को रोलर आइसक्रीम भी बोला जाता है, साथ ही साथ डिस्को आइसक्रीम भी बोलते हैं। इसमें एक बड़ी सी सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर में बर्फ़ डाला जाता है, और जब घुमाते हैं तो उसके ऊपर में आप कंडेंस्ड मिल्क मतलब रबड़ी डालते हैं, उसके बाद अलग अलग फ्रूट जूसेस डालते हैं, फ्लेवर्स डालते हैं, उसको चलाते हैं। उसको चलाने के बाद उसमें कुल्फी जम जाती है, फिर उसको स्क्रैप करते हैं, उसके बाद उसको आप ऐसा डिस्को कुल्फी या डिस्को आइसक्रीम या फिर रोलर कुल्फी या रोलर आइसक्रीम के नाम से सर्व करते हैं। तो ये आइसक्रीम बहुत ही मस्त है, क्रीमी है, और हर एक चम्मच में आपको अलग अलग फ्रूट्स के जायके आएंगे, कभी आम का, कभी संतरा का, कभी अनार का, कभी रबड़ी का, कभी केसर का। और बहुत ही उम्दा है, इसे आप फ्रेश आइसक्रीम भी कह सकते हैं। अरे कहाँ चले गए थे मेरे भाई, आइसक्रीम आधी खा गया मैं, चम्मच लेके घूम रहा हूँ, कहाँ थे भाई? कोई बात नहीं, आधी तो खाइए, तो आप ये ख़त्म करो फटाफट, फिर चलते हैं मेला घूमने के लिए। बिल्कुल, तो सर ने तो समझा ही दिया होगा पहले क्या है क्या नहीं है इसमें, मैं सिर्फ इसको खाऊँगा और इन्जॉय करूँगा।
टॉय में तो मारा था मैं बैलून थोड़े फोड़ता हूँ। आपको क्या लगा बैलून मार रहा हूँ भैया? कुछ गिराने विराने पे इनाम है कुछ? आप बोलो। सिर्फ मारो, छिपकली उड़ाओ, छिपकली छिपकली उड़ा के दिखाओ। मैं सपोर्ट देना थोड़ा। कोई किसी के दूसरे के कंधे पे बंदूक लगा लो, कोई इनसे सीखे। बस बस ना बैलून मारा था बैलून पे। एक बच रहा है तो ठहराओ, तो हिल रहा है, तो एक जगह तो टिकाओ। तो मैं अर्जुन थोड़ी हूँ भाई। कितने मार लिए? अरे मारा नहीं, वो चिप चिप कली सीधी करवा रहा हूँ भाई। वो ऐसे ऐसे कहा, मैं मतलब क्या हूँ? छोड़ो यार, मैं ये इसको मार। आप सही भैया, ये इसकी गिनती नहीं होगी। ये एक आपके तरफ से है छिपकली, आपने कैसे रखी है? मैं नहीं खेल रहा, मैं वो वाला खेल रहा हूँ। वो ग्रीन मार के दिखाओ, वो वाला ग्रीन जो बीच में, ग्रीन वाला। हाँ वो मार दूंगा। नहीं मार पाओगे क्या शूटर? देखा ओहो बच्चे तो सुनो हैप्पी। चलो अच्छा बताओ यार क्या मैं बताऊंगा। मेरी बारी बड़े मजे ले लिया ना। वो जो येलो वाला है ना, येलो वाले उसके बीच में रेड वाला है वो। बेस्ट। अबे है ही कुछ नहीं इसमें डाला था। अरे जो मन कर रहा, अरे उसके ऊपर जा रहा है यार वो। कोई बात नहीं, निशाना लगाइए वो जा भी जाए। हां 0 0 2 बाय 0 ये लास्ट है। निशाना लगाइए। हां क्या बात है। हम मेरा 3 मेरा भाई गुड लक चाह में तीसरे शॉट भी बढ़ते हैं हमारा। मेरा 3x3 था, आपका 0 क्या 0x3 हवा में मारी छिपकली होगी इन्होंने। चलो भाई, इस शॉप का नाम शाही अंदाज है। ये पुरानी दिल्ली की मशहूर दुकान है और इनके यहाँ कई तरह के पान मिल रहे हैं। केसर बादाम पान, सिल्वर क्वीन मीठा पान, गोल्ड सोने की वर्क का पान 300 रुपये का। तो शाही पान है यहाँ पे हम, लेकिन हमें सादा पान खिलाइए, इनको मीठा पान खिलाइए। ये बाबा वाले की चटनी खिला रहा हूँ मैं आपको, आप इसका जायका लेके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट लेवल, ठंडक, उम्दा। क्या खुशबू यार। आओ कट मारो, कट मारो। पान खाता नहीं है ना वो, इतना गिरा गया। कट मारो, मारो ये। अरे और चटनी लगाइए। और आओ कौन है, और आओ कौन है भैया? मतलब फ्रेशनेस, पान बहुत खुशबूदार है, मज़ा आ गया। जो भी हमने खाना खाया है यहाँ पे, पूरा वो लग रहा है डाइजेस्ट हो गया। इसका भी आनंद लो, लो। उसको बोलते हैं बोलती बंद पान। क्या बोलते हैं? पोल्ट्री बंद। हाँ पोल्ट्री बंद पान, तो पान खाया पोल्ट्री बंद। पान आपको आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। आजकल आदमी काम कर रहा है, पैसे ले रहा है, माल नहीं खिला रहा है। जो आदमी का यहाँ ला के दिल खुश हो तो बात है ना। ठीक है, शुक्रिया। हाय कर दो, हाय कर दो। शाम में जब शुरुआत किए थे तो रावण के पास बैठे थे, अभी नौका में घूम रहे हैं वे। नौका में ढूंढ लेंगे हम भारत का नक्शा। हाँ भाई इतना ही है क्या भैया? और तेज होगा ये, और बढ़ेगा, इतना ही रहेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ये भाई आप पकड़ ली स्पीड, अब खाना ऊपर ही छोड़। बस उतार दो मैं। भाई साहब भाई आपस हो गया, आपस कराओ भाई। हमारा हो गया, हमारा हो गया, हमारा हो गया, हमारा हो गया, हमारा हो गया। बैठ के बैठ जाए, बैठ होगी तो होते ओ भाई साहब, अरे खुश तो नहीं जाएंगे?
भाई बहुत ऊंचा हो गया। अरे भैया ढीला करवाओ यार। अबे भैंस अरे ज्यादा लंबा हो रहा है। आप सभी को दिल्ली फूड वॉक्स की ओर से नवरात्रि और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।